उपेंद्र हुड्डा कहते हैं मैंने प्रदेश को 10 साल बहुत दिया। मारुति मानेसर में आई 2003 में, 1985 में आई है, 83 में डॉक्टर साहब गुड़गांव में, 83 में गुड़गांव में। उसके बाद मारुति ने अगला प्लांट कहां बेच लेगी? गुजरात। कांग्रेस के राज में एक फैक्ट्री नहीं खुली। मेरे को पता है मैं कैसे मशक्कत करके दुनिया का सबसे बड़ा 10 लाख गाड़ी बनाने वाला मारुति का प्लांट आपके खरखोदा मिले। आज के दिन छोटी छोटी चीजें हो गुजरात जाती है। मैं गिनवाने लग जाऊं गुजरात से कितनी चीजें हरियाणा मिला, हैरान हो जाओगे। ATL बैटरी चाइना की कंपनी है, नू के अंदर जाके देखो 180 एकड़ का दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी बनाने वाला मोबाइल फोन वाली बैटरी इसका प्लांट लगा रही है। या आपके पड़ोस में रोहतक के IMT के अंदर कोका कोला का प्लांट लगा दूसरा। ये इधर पानीपत के अंदर एशियन पेंट्स के बाद सबसे बड़ी फैक्ट्री 80 एकड़ की लगी तो बिरला वालों की, ग्रासिम पेंट्स की लगी। फ्लिपकार्ट का बिल्कुल KMP पे जाओगे जैसे ये मारुति की फैक्ट्री बनती दिखती है, इस तरफ दाहिने हाथ की तरफ 140 एकड़ में 7 मंजिल ऊंचा वेयर हाउस बन रहा है, 7 मंजिल का, इंडिया का पहला। ये सारी चीजें करके ऊपर राज में बैठे थे, साफ सोचनीय थे, काम करनी थे। और मैं एक निवेदन आज करता कि संगठित होकर लड़ोगे तभी राज के लिए पृष्ठभूमि वो नींव विधानसभा की इस लोकसभा में कर पाओगे। और मैं तो मानता हूं उम्मीदवार कोई पार्टी आपके बीच में भेजे, एक लक्ष्य होना चाहिए कि उसको चौधरी अजय सिंह चौटाला समझकर मैदान में सारे कार्यकर्ता खड़ा होकर वोट लगाने। हम तो काम कर लेंगे, हम तो मैदान में उतरे रहेंगे। जिस दिन से वो संभाला है चौधरी देवीलाल जी के लिए पहली बार प्रचार में रोहतक आए थे डोर टू डोर कर, 96 हो 98 हो 2004 हो 9 हो 14 हो जहां ड्यूटी लगी है लगे रहे। और जब से 14-13 के बाद से तो रेगुलर ड्यूटी है, 24 घंटे का काम ही एक है, इस काम में भी जुटे पड़े, इसे ना थकते ना रुकते। जो बात बलदीप जी ने कही थी चौधरी देवीलाल जी वाली, चौधरी देवीलाल जी हमेशा एक चीज की वजह से ताकतवर बने थे कि कार्यकर्ताओं ने मैदान में अपने आप को देवीलाल समझकर काम किया। आज वो अवसर आपके आगे है। ये जो लोग ए टीम बी टीम सी टीम बनाते हैं इनको दिखा दो, असली ए टीम तो अपनी है, ये तो सारे अपनी नर्सरी के गए हुए हैं, नहीं गए हुए हो तो बताओ। आज बीजेपी के 10 उम्मीदवार आगे 6 कांग्रेस के और 3 लोकदल के हैं पुराने। आज कांग्रेस के विधायकों की लिस्ट निकालोगे आधे मारे ट्रेनिंग लेके गए हुए, अपना तो ट्रेनिंग स्कूल है, ट्रेन होंगे लोग जाएंगे, ट्रेन होंगे नाएंगे, नई पीढ़ी आएगी जाएंगी। मगर जिस दिन कार्यकर्ता कमर कस लेगा तो फिर हमारी हरियाणा की आवाज लोकसभा में भी जाएगी और पूर्ण बहुमत के साथ विधानसभा में भी। जींद जिले की 3 सीटें हैं, जुलाना, सफीदो और जींद, वहां से जीत उम्मीदवार की हम करवा के भेजेंगे। अब नाका कितना मजबूत सोनीपत में लगाओगे वो देखने की बात है। और जैसे मैं चुनाव जीतता था मुझे याद है चरणजीत रोड़ी सिरसा का चुनाव जीत गया, उसने अपने भाषण में कही थी क्या नाका दुष्यंत ने मजबूत लगा दिया था कि बटन नहीं दी आंधी मेरी तरफ मोदी। अब मेरे को देखना गुआना बड़ौदा वाले नाका कितना मजबूत लगाएंगे कि यहां से हवा वापिस चले और ये जो दुष्प्रचार है इसको समाप्त करती हुई खरखोदा राई गन्नौर सोनीपत के अंदर भी पार्टी की ताकत को बढ़ाने का काम करे। वो नाका लगा के दिखाओ और मजबूती से लगा दोगे तो सोनीपत लोकसभा को मजबूती से जीत दोगे। मैं तो यही प्रार्थना करने